इसमें भारत के सभी आदिवासियों के, भारत में बताया जाता है कि संसार के सबसे ज्यादा आदिवासी भारत में ही रहते हैं, जिनकी कुल आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 12 करोड़ है। तो 12 करोड़ आबादी को ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने एक इंडिविजुअल पहचान दे रखी थी, एक आइडेंटिटी दे रखी थी, कॉलम कोड दे रखा था, लेकिन स्वतंत्र भारत ने उस पहचान को ST के रूप में अनुसूचित करके हमें पहचान दी गई 1950 में, लेकिन 1961 में वो कॉलम हटा दिया गया, अन्य का कॉलम जोड़ा गया, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि अन्य का कॉलम भी हटा दिया गया। तो हम इस देश के मालिक हैं, मूल वासिंदे हैं, देश है जो प्रथम नागरिक है, तो उनको भी अपनी पहचान दर्ज करने का हक है, क्योंकि संविधान में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है और सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है, और आदिवासी एक ऐसी कौम है, ऐसा समाज है, ऐसा कबीला है, वो हर व्यक्ति को, हर चीज को समान महत्व देता है, चाहे प्रकृति हो या जीव जंतु हो या पत्थर पहाड़ हो, जंगल नदियां हो, हर वस्तु को, हर इंसान को, हर जानवर को समान महत्व देता है। तो उन्होंने सब धर्मों को भी समान महत्व दिया है। आपने उठा के देख लीजिए उदाहरण, आदिवासी ने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजे हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारे हो, लेकिन आदिवासी आज अपनी पहचान के लिए कॉलम कोड मांग रहा है, तो आदिवासियों का विरोध क्यों हो रहा है? क्यों RSS और BJP और ये इतने शक्तिवाहिनी या धर्म संगठन क्यों विरोध में आ रहे हैं? क्यों मोहन भागवत बोल रहे हैं कि आदिवासियों को अपना धर्म कोड हिंदू लिखना चाहिए? क्यों योगी सरकार कहती है कि सभी मूल निवासी को हिंदू में ही डालना चाहिए? क्यों मतलब RSS और BJP इस तरीके के हथकंडे अपना रही है कि आदिवासियों का धर्मांतरण किया जाना चाहिए? तो मैं उन सरकार को भी कहना चाहूंगी कि हम आदिवासी हैं, हम अपनी मूल अवस्था में आज भी हैं, हजारों सालों में आपने हमारा धर्मांतरण किया, बहुत सारी चीजें बदली है, लेकिन आज भी हम अपनी मूल पहचान के साथ जीवित है, हमारा स्वाभिमान जीवित है, और ये ऐतिहासिक अवशेष इसकी गवाही दे रहे हैं। जगह जगह किले हैं, बावड़ियां हैं, महल है, कोर्ट है, सब जगह राज व्यवस्थाएं थी। गोंडवाना में गोंडों का राज था, तो मत्स्य राज में मीणों का राज था, बिलिस्तान में भीलों का राज था, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ के आदिवासियों का कबीलों का राज था, और इसीलिए हमें संविधान में अनुसूची 5 और 6 विशेष राज्य के दर्जों के रूप में सिर्फ आदिवासियों को ही मिली है, न कि किसी और धर्म संप्रदाय को। और वन अधिकार कानून है, पैसा कानून है, और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो हम आदिवासियों को इस धरती का मालिक होने की वजह से ही मिली है, और हम आदिवासी हैं इसीलिए हमारे हक अधिकारों की रक्षा संविधान भी देता है। अगर हमारा धर्मांतरण होता है या हमें हिंदू कॉलम में डाला जाता है या हमारे खुद के भाई बहन गुमराह होते हैं और वो अपने का आपको हिंदू बोलते हैं, सनातनी बोलते हैं या भगवाकरण का अनुकरण करते हैं, तो वो एक तरह से खुद गुमराह हो रहे हैं और अपनी जड़ें या अपना अस्तित्व वो खुद समाप्त कर रहे हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, वो चाहे हिंदू बनना चाहते हो बने, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे, वो अपनी मूल पहचान जो आदिवासियत है उनके हक अधिकारों को खो देंगे, उनके जो अधिकार है शिक्षा में, राजनीति में या रोजगार में या जमीन जायदाद जंगल को बचाने में, वो सारे अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे, क्योंकि सरकार खुद कहेगी कि आप अपने आप को आदिवासी खुद नहीं मानते हैं और आप अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो हिंदू होने के आते आपको ऐसे कोई अधिकार नहीं मिलते हैं। जो जैसे देश जिस धारा पे चल रहा है, एक के राष्ट्र, एक भाषा और एक धर्म की थीम पे, तो वो एक धर्म होने का मतलब है हमारा अस्तित्व समाप्त करना। तो हम नहीं चाहते कि ये देश का मूल मालिक जो इस देश को बनाया है, व्यवस्था किया है, बताया जाता है संविधान में देश का जब निर्माण हुआ था तो सबसे ज्यादा आदिवासी रियासतें उसमें शामिल हुई थी, इसमें बताते हैं कि 70% भूमि हम आदिवासियों की है, जो देश भर के आदिवासी है उनके राज कबीलों की, राजवंशों की भूमि है। तो हम अपनी पहचान के साथ एक स्थायी कॉलम कोड की मांग कर रहे हैं, ताकि हमारी अपनी पहचान और आने वाली पीढ़ियों की आदिवासियत की जो पहचान, हमारे पुरखों के जो संघर्ष थे, जो बलिदान थे, उन्होंने जो मतलब इतने कठिन परिश्रम से हमारी पहचान को स्थापित करके हमें आदिवासी के रूप में दर्ज करवाया था या ST के रूप में दर्ज करवाया था, उस पहचान को हम आदिवासियत के रूप में, कॉलम कोड के रूप में सरकार से लेना चाहते हैं, ताकि हमारी पहचान स्थायी हो सके, क्योंकि संविधान में जो ST अनुसूचित किया गया है वो स्थायी नहीं है, वो कभी भी बदला जा सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले हैं कि कई जनजातियों को ST से बाहर निकाला गया है, ऐसा छत्तीसगढ़ में भी सुनने में आया, वहाँ 3 जनजातियाँ थी जिनको ST सूची से बाहर निकाला गया, नाम अभी मुझे पता नहीं है, जब पता होगा तो मैं बताऊंगी, बाकी उनका धर्मांतरण होने से, हिंदूकरण होने से उनको अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से उनको वंचित
कर दिया गया, बेथकल कर दिया गया। तो मैं अपने समाज को भी संदेश या अपने आदिवासी भाई बहनों, युवाओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मातृशक्तियों, पितृशक्तियों सबसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप अपने पुरखों के बलिदानों को, संघर्षों को याद कीजिए कि उन्हीं के संघर्षों बलिदानों से हमें आजादी मिली थी, उन्हीं से हमें मूल पहचान मिली है, उन्हीं से हमें हक अधिकार मिले हैं। तो वो ही हमारे देवी देवता के रूप में आज भी पूजे जाते हैं, चाहे वो पैनठाना हो, चाहे हमारे मीणा समाज में जैसे ऊत पितर भूमिया के स्थान हो या देवी के कुल देवी देवताओं के स्थान हो। आज ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये सिंबल हमारे मीणा समुदाय में भी ये मात्र शक्तियों के रूप में पूजा जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो वेशभूषा है वो आज गोंड उराव में आज भी वैसे के वैसे ही है। वो छत्तीसगढ़ देख लीजिए आप, MP देख लीजिए या झारखंड देख लीजिए, वहाँ पर महिलाएं मात्र शक्तियाँ ऐसी ही वेशभूषा में थी। ये साथ ही क्यों है? ये सात मात्र शक्तियों के रूप में है, मतलब आदिवासियों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था होती है तो वो मात्र शक्तियों को ही वर्चस्व देते हैं या उन्हीं का